किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज उसकी एकता और अखंडता की शान होती है। भारत का राष्ट्र ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, हमारे देश की आन बान और शान है। प्रतिवर्ष 22 जुलाई के दिन हम राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्र ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्र ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। ड्रूफल टीवी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आइए जानते हैं हमारे भारतीय ध्वज का इतिहास। 7 अगस्त 1906 में पहली बार तत्कालीन कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इस झंडे को फहराया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में निकाले गए जुलूस में सचिद्र कुमार बोस ने 3 रंग के झंडे का शामिल किया। इस झंडे में ऊपर में हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग का उपयोग किया गया था। हरे रंग वाले हिस्से में 8 कमल के अध खिले फूल छपे थे। सबसे नीचे लाल रंग वाले हिस्से में एक सूर्य और एक चंद्रमा बना था, जबकि बीच वाले पीली पट्टी में हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में दूसरा तिरंगा झंडा फहराया। यह ध्वज भी लगभग पहले जैसा ही था और बहुत मामूली से इसमें अंतर था। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, जबकि बीच में पीला और सबसे नीचे हरा रंग बना हुआ था। तीसरी बार 1917 में भारतीय झंडा फहराया गया। इस झंडे को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया था। यह ध्वज पहले बनाए गए ध्वज से बिल्कुल ही अलग था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां बनी हुई थी। इस झंडे में सप्त ऋषियों को भी दिखाया गया था। 1921 में कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, जो कि अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें से एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारतीय के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। भारतीय तिरंगे झंडे का जो स्वरूप है, उसकी परिकल्पना वेंकैया पिंगली ने रची थी। इस स्वतंत्रता दिवस के साथ ही भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस हम भारतीयों के लिए कई मायने में खास है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के साथ ही देश क्षेत्रवार स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद।